Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, can we start the class? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है इस साधु संघ ग्रुप के अंदर। और आज का जो विषय है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का, जो है पहले से लेके 24 श्लोकों का जो हम समरी लेंगे, जो संक्षेप के अंदर जो हमने क्या चर्चा की है पिछले क्लासेस के अंदर, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जो क्लास के अंत में, मतलब जो क्लास का जब एंड होगा, तो उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने काफी सालों से, मतलब उसके ऊपर चिंतन किया था, मगर उसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जब मैं बुरीजन दास प्रभु के जो लेक्चर सुन रहा था वो, और उसके बाद में श्री वल्लभ प्रभु से भी मेरी जो चर्चा हुई थी उसके ऊपर जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, तो उस जो प्रश्न का हम उत्तर भी देखेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो इन श्लोकों के माध्यम से, मतलब हमको स्पष्टता मिलती है, जो क्लैरिटी मिलती है। तो एक मिनट, तो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक का संक्षेप में हम जो समरी देते हैं। ओम, इससे पहले हम गुरु का आश्रय लेते हैं। ओम नमो ओम अज्ञान थिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखामितांश। हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है साफ? जी जी प्रभु। ओके, तो आज का जो ये, मतलब चर्चा कर रहे हैं, तो इसका शीर्षक है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ये कैंटो जो दूसरा कैंटो है और उसका चैप्टर नंबर 9, उसका जो शीर्षक है आंसर बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्शन। तो
यहाँ पर इसको पहले जो जो 24 श्लोकों का हम विभाजन करते हैं कि इन 24 श्लोकों के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है, क्या क्या इसके बारे में चर्चा हुई है, तो हम वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले कि जो 3 श्लोक हैं, 1 से लेके 3, तो जैसे कि हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज इससे पहले वाले जो चैप्टर में जो अध्याय है 8वां, उसके अंदर काफी सारे प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो ये जो है भी प्रश्नों के उत्तर का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ जो 7 प्रश्न 7वें श्लोक के अंदर, मतलब दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 7वें जो श्लोक के अंदर जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था, उसका उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी पहले से लेके 3 श्लोकों में उसका उत्तर देते हैं। उसके बाद में 4 से लेके 9, क्योंकि 24 श्लोक हैं, तो उसके 4 से लेके 9 जो श्लोक हैं, उसमें जो ब्रह्मा जी को कैसे जो है भगवान के दर्शन हुए, उसके बारे में मतलब दर्शाया गया है। उसके बाद में श्लोक संख्या 10 से लेके 17 तक, मतलब भगवान के धाम जो वैकुंठ धाम है उसकी उसका उल्लेख हुआ है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर भगवान कैसे बैठे हुए हैं, तो इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है 10 से लेके 17 श्लोक के अंदर। और 18वें श्लोक के अंदर जैसे ही ब्रह्मा जी इसका दर्शन करते हैं, तो ब्रह्मा जी का रिएक्शन क्या होता है, ब्रह्मा जी का जो उसके प्रति उन्होंने देखने के बाद में उनके अंदर क्या मतलब भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो दर्शाया गया है। और श्लोक संख्या 19 से लेके 24 तक, इसमें भगवान फिर ब्रह्मा जी से कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, जो भगवान कैसे मतलब जो है ब्रह्मा जी को देखने के बाद ब्रह्मा जी से बात कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी से कैसे मतलब वो इंटररिएक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे 19 से लेके 24 श्लोक के अंदर। तो पहले के जो जैसे मैंने बताया पहले के जो 3 श्लोक हैं, तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 7 जो 8वें अध्याय के अंदर दूसरा स्कंद 8वां अध्याय और 7वां श्लोक है, उसमें जो है परीक्षित महाराज ने प्रश्न क्या पूछा था, तो वहां पर उन्होंने पूछा था, ओ नन ब्राह्मणा द ट्रांसेंडेंटल स्पिरिट सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल बॉडी, यानी जो जो आध्यात्मिक मतलब आत्मा है या जो आत्मा है वो ये भौतिक जगत की जो भौतिक शरीर है इससे भिन्न है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डस ही एक्वायर द बॉडी एक्सीडेंटली, क्या किसी एक्सीडेंट के कारण उसको ये जो शरीर मिलता है और किसी कारणवश ये शरीर मिलता है, विल यू काइंडली एक्सप्लेन दिस फॉर इट इज नोन टू यू। तो परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप इसके बारे में जानकारी रखते हो तो कृपया मुझे इसके बारे में जानकारी दें। तो जैसे ही मतलब ये अभी 8वां अध्याय जो समाप्त होता है, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं इस जो पहले के 3 श्लोक है उसके अंदर बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने 1972 के अंदर इन जो 3 जो श्लोक हैं उसके ऊपर एक लेक्चर दिया था, और ये लेक्चर दिया था उन्होंने टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर उन्होंने ये लेक्चर दिया था, और उस समय वहाँ पर बुरिजन दास प्रभु जिन्होंने जिसका जिनका लेक्चर मैंने सुना था वो वहाँ पर थे, और उन्होंने इसका उल्लेख किया है, और श्रील प्रभुपाद ने जो एक्सप्लेन किया है लेक्चर में बताया था वो बात यहाँ पर उन्होंने अपने जो लेक्चर के अंदर बताई है इन 3 श्लोकों के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था कि क्लास के अंत के अंदर मैं एक प्रश्न जो मेरे दिल में था, मेरे दिमाग में था, वो प्रश्न मुझे बार बार काफी समय से मुझे मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था मगर उसका उत्तर नहीं मिला। मगर यहाँ पर जब इन लेक्चर्स को मैंने बुरिजन दास प्रभु के लेक्चर को सुना और श्रील प्रभुपाद के जो लेक्चर्स को उसका ट्रांसक्राइब पढ़ा, तो इतनी स्पष्टता से पता चल गया कि उस जो प्रश्न का उत्तर था वो प्रश्न और उत्तर हम अंत में देखेंगे। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मतलब बुरिजन दास प्रभु बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भौतिक शरीर है जो इन 3 श्लोकों के अंदर बताया गया है, वो बताया गया है कि जो भौतिक शरीर है वो
मतलब उसको कैसे समझना चाहिए, जो भौतिक शरीर हमको मिला है तो उसको कैसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि ये एक स्वप्न है। जिस तरह मतलब अगर कोई स्वप्न देखता है, श्लोकों का अगर तात्पर्य पढ़ेंगे और उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, स्पष्टता मिल जाएगी कि जो ये शरीर है हमारा, वो शरीर किस तरह से हमको मिला है और कैसे हम ये अलग अलग शरीर भी क्यों मिलते हैं, तो इसके बारे में इन श्लोकों के अंदर बताया गया। तो जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि भाई ये जो एक स्वप्न की तरह है, जैसे स्वप्न के अंदर हम बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करती हैं जो संभव ही नहीं है और जो मतलब एक काल्पनिक है टोटली, क्योंकि स्वप्न है। तो उसके अंदर आपको आप देखेंगे कि भाई कोई जो मनुष्य है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नीचे कूद रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद में उसके हाथ में जो बोलते हैं किलो नहीं मन के हिसाब से जो है सोना है वो उसने ले लिया है, उसके जो है हाथों के अंदर हीरे जवाहरात हैं और फिर वो जो है किसी चीज के पीछे भाग रहा है, या उसके पीछे कोई शेर भाग रहा है, या किसी ने उसको चाकू मार दिया तो उसके बाद में उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, फिर भी वो भागे जा रहा है। तो ऐसे सारे विभिन्न जो स्वप्न हैं, इसी तरह जो ये शरीर जो हमको मिलते हैं, शरीर और आत्मा के अंदर अंतर यही है, हमको जो शरीर मिलते हैं वो शरीर कैसे हैं, एक ड्रीम की तरह है, एक स्वप्न की तरह है। तो स्वप्न के अंदर हमको अलग अलग प्रकार के जो है अनुभव होते हैं, कभी हम स्वयं शेर बन गए हैं, कभी हम जो है मतलब हाथी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कभी हमने चोरी की है, कभी हम पुलिस वाले बने, तो ऐसे अलग अलग हमको स्वरूप मिलते हैं स्वप्न के अंदर। ठीक उसी तरह हमको ये अलग अलग शरीर मिलते हैं। तो शरीर कैसे मिलते हैं, जैसे भी किसी को मनुष्य का शरीर मिल गया, कीड़े का मिल गया, मकौड़े का मिल गया, मछली का मिल गया, एलिगेटर का मिल गया, ऐसे अनेकों शरीर हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर बहु रूप करके श्लोक के अंदर, इन तीनों श्लोकों के अंदर से एक शब्द आता है बहु रूप। तो ऐसे बहु रूप यानी इतने सारे 84 लाख योनियां हैं, उनके अंदर से अलग अलग हमको योनियों के थ्रू जाना पड़ता है, मगर ये एक सिर्फ स्वप्न है। सही मायने में हम क्या है, हम आत्मा है, और आत्मा और जो शरीर के अंदर ये जो डिफरेंस है। मगर जिस तरह स्वप्न के अंदर हम जो है जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो हम करते हैं, हमको ऐसा लगता है, हमको वो भ्रम है, ठीक इसी तरह जो ये आत्मा है, आत्मा जो आत्मा को ये लगता है कि शरीर मेरा है, इसके लिए यहाँ पर जो शब्द आता है मैं, आई एंड माइन, यानी मेरा और मैं, इसके बारे में जो है इन तीनों श्लोकों के अंदर भी उल्लेख होता है। तो यहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इसका विभाजन कैसे गया, आंसर टू द क्वेश्चन आज भाई परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो 8वें अध्याय के अंदर 7वें श्लोक के अंदर पूछा था। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये तो इन्होंने बता दिया, सेकेंड वर्स के अंदर क्या आता है कि जो आत्मा है, जो आत्मा है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है तो नहीं, तो ये जो है ऐसे जो शरीर है, शरीर क्यों इस कठिनाई में ऐसे बहु रूप अलग अलग रूप क्यों लेता है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं क्योंकि उसकी उसकी जो इच्छा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें बता रहे हैं कि जैसे डिजायर्स होती हैं, जैसे हमारी कामनाएं होती हैं, तो वैसे ही हमको ऐसे ऐसे शरीर मिलते हैं। तो उसके बाद में 3rd verse के अंदर आता है, 3रा जो श्लोक है उसके अंदर आता है, This verse tells us about the process of getting out of the Maya। तो यहाँ पर 3रा जो श्लोक है, 3rd श्लोक में, पहले श्लोक में कि क्या है अंतर, क्या है दोनों में, आत्मा और जो है हमारे शरीर के अंदर दोनों भिन्न है। उसके बाद में 2rd श्लोक के अंदर आता है कि हमको अलग अलग रूप क्यों मिलते हैं, अलग अलग रूप कैसे मिलते हैं, उसका बारे में बताया गया। और 3rे वर्ष में आया गया कि अगर ये जो अगर हम शरीर हम आत्मा हैं तो ये शरीर से हमको छुटकारा कैसे मिले और कैसे हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां पर हमको वापस जो है अलग अलग रूप या स्वरूप लेने नहीं पड़े, तो ये बताया है 3rे श्लोक के अंदर। 3rे श्लोक के अंदर इसके बारे में गुरुजन दास प्रभु बताते हैं कि भोग वांछा करी, हम जो है हमने शरीर, हमको ये शरीर क्यों मिला है, क्योंकि हमने ऐसे भोग की इच्छा की थी कि मुझे ऐसे भोग करना है, ऐसे मतलब मुझे एक्सप्लॉइट करना है, ऐसे मुझे एंजॉय करना है, इस वजह से हमको शरीर भगवान ने ऐसा दिया है। तो अगर हम पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से यहाँ बताए कि अगर हम जो ये एंजॉयिंग की प्रोपेंसिटी है, यानी हमको जो आनंद लेने की जो हमारी वृत्ति है कि हमको एंजॉय करना है, हम मुझे एंजॉय करना है, वो जो अगर हमारी प्रोपेंसिटी है, जो वो हमारी इच्छा है, उसको अगर हम त्याग दें तो धीरे 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 धीरे, और हम ये जो है कि हम भगवान के जो आनंद, भगवान के जो इंद्रियों को आनंद है, अपनी इंद्रियों को आनंद देने के बजाय हम भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करें या तुष्ट करने का प्रयास करें, भगवान की सेवा में हम लग जाएं, तो हम ग्रेजुअली धीरे 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 हम जो है शुद्ध होते जाएंगे, और फिर हम ऐसे जगत में जाएंगे जहां पर से इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो वहां से हमको आने की मतलब अनुमति भी नहीं होगी और हमको मतलब आना भी नहीं, हम उस जगत में पहुंच जाएंगे। तो ये तीसरे श्लोक के अंदर बताएगा। सो द फर्स्ट वर्स इज मतलब जो पहला श्लोक है वो मतलब माया के बारे में बता रहा है, फिर उसके बाद में माया का प्रभाव क्या है दूसरे श्लोक में बताया गया, और तीसरे के अंदर कि इस जो भौतिक संसार से बाहर कैसे निकलना, यानी ये जो स्वप्न है जैसे पहले बताया गया कि ये स्वप्न है, तो इस स्वप्न किससे कैसे बाहर निकलना है। तो जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई आदमी जोर जोर से चिल्लाता रहता है, वो क्या कहता है कि ये सोया हुआ है और जोर जोर से स्वप्न देख रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, या मुझे बचाओ, मेरे पीछे शेर लगा हुआ है, और जो उसके पास में बैठा हुआ व्यक्ति है वो जाग रहा है, तो जागने वाला व्यक्ति उसको उठा देगा, अरे भाई तुम कहाँ शेर है, कहाँ है, कोई कुछ नहीं यहाँ। तो फिर उसको जो सोया हुआ व्यक्ति था उसको रियलाइज होता है कि भाई अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। तो ठीक उसी तरह अगर किसी जो हम शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन के अंदर रहेंगे तो वहां से हमको इस स्वप्न में, इस स्वप्न में इसकी ये मेरा है और ये मैं हूँ, इससे हमको छुटकारा मिलेगा और हम भौतिक जो है संसार से निकलने का प्रयास करेंगे और आध्यात्मिक जो है प्रगति हमारी होगी, हम आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करेंगे। तो ये जो है तीन श्लोकों के अंदर बताया गया। उसके बाद में जो चार से लेके नौ श्लोक हैं, अभी चार से लेके नौ श्लोक के अंदर क्या बताया गया, हाउ कुड ब्रह्मा जी हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दर्शन ब्रह्मा जी ने कैसे किए, यानी तो इसके बारे में जो है मतलब जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नॉन डिसेप्टिव पेनेंस इन भक्ति योग, जब उन्होंने भक्ति योग किया, ब्रह्मा जी ने भक्ति योग किया और इतनी दृढ़ता से किया, तब उनको जाके, और वो भी इसके बारे में बताया गया पांचवें श्लोक के अंदर, चौथे श्लोक में बताया गया है कि कैसे मतलब ब्रह्मा जी ने बहुत ही भक्तिपूर्ण भक्ति योग किया जिससे उनको ये उनको इस मतलब भगवान के दर्शन का लाभ मिला। तो इसे बताते हैं उन्होंने भक्ति कैसे की है, तो बता रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट ब्रह्मा द स्पिरिचुअल मास्टर सुप्रीम इन द यूनिवर्स को नॉट ट्रेस आउट द सोर्स ऑफ द लोटस सी। जैसे ब्रह्मा जी हम सब जानते हैं कि विष्णु के नेवल से यानी कि नाभि से उनके कमल का फूल था, उसके ऊपर वहां पर उनका जो है जन्म हुआ है, तो वो जब अपना सोर्स मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या ध्यान है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया वो, और मुझे क्या कार्य करना है उसको और कैसे करना है कार्य, वो भी उनको पता नहीं था। तब उनको जो है ब्रह्मा जी को दो मतलब जो शब्द सुनाई दिए और दो बार सुनाई दिए, वो थे तप। तो जब उनको कोई भी रास्ता या कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने तप करना शुरू किया, और तप का मतलब होता है पेनेंस यानी बहुत सारी तपस्या करना, तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। और सातवें श्लोक के अंदर बताया गया है कि उन्होंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, सब पहले तो बहुत ढूंढ रहे थे, मगर जब उनको सोर्स भी पता नहीं चला कि ये आवाज कहाँ से आएगी, त और प ये दो जो अल्फाबेट्स हैं, वो तप का जो आवाज कहाँ से आई है, तो जब उनको कोई भी रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है ये तप का मतलब जो है उसके हिसाब से मुझे मैं जो है पेनेंस करना शुरू कर दूं, मैं तपस्या करना शुरू कर दूं। तो वो बैठ गए और उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, तो और वो भी कितनी बहुत दृढ़ता से और बहुत ही कठोर तपस्या उन्होंने की, बोलते हैं हजारों वर्ष, और हजारों वर्ष भी कैसे, जो देवी देवताओं के हिसाब से हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की। और फिर क्या हुआ,
दस ही उन्होंने क्या किया, अपने मन और अपनी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल किया। दस ही कंट्रोल इज माइंड एंड सेंसेस एंड द पेनेंसी एग्जीक्यूटेड वेयर अ ग्रेट लेसंस। और ये जो उन्होंने तपस्या की जिसके अंदर उन्होंने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया और बहुत दृढ़ता से बहुत सीरियसली उन्होंने जो पेनेंस किया, जो उन्होंने तपस्या की, तो ये एक हमको एक हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक जो है उदाहरण है कि हम हमारे जो ब्रह्मा जी सबके क्रिएटर हैं, तो हमारे परम पिता जैसे भगवान तो है ही है, मगर जो अगर देखा जाए तो हम ब्रह्मा के वंश हैं, ब्रह्मा ने हमको क्रिएट किया है पूरे वर्ल्ड को। तो ब्रह्मा जी जो एक तरह से हमारे गुरु हुए, तो उन गुरु ने कैसे तपस्या की उसको देख के उसके उनके जो है पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए कि एक तो उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, अपने मन को कंट्रोल किया, और उसके बाद में बहुत दृढ़ता से उन्होंने तपस्या की, और ऐसी तपस्या करने के बाद में उनको भगवान के दर्शन। तो ये कैसे बताया गया, ये बताया गया है श्लोक संख्या 4 से लेकर 9 तक के अंदर। तो 9 के अंदर पर्सनल ऑफ गॉड बीन दस, और 9वें जो श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो भगवान इतने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, एंड इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने वॉज प्लीज टू मैनिफेस्ट हिज पर्सनल अबोड, भगवान ने अपने जो स्वयं का वैकुंठ धाम है उसके बारे में वहां पर ले गए। दिस ट्रांसेंडेंटल अबोड ऑफ लॉर्ड इज अडोर्ड बाय सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मिजरीज एंड फियर ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस। तो यहाँ बताते हैं ये जो धाम है भगवान का, जो वैकुंठ धाम है, वो ऐसा है जो जितने भी तत्वज्ञानी हैं, जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जो वो लोग जो है जो पूर्ण रूप से हर तरह से जो किसी भी कठिनाई से किसी भी कुंठ से किसी भी मुश्किलों से जो है फ्री हो जाते हैं वहां पर जाने के बाद। तो ये बताया है जो है 4 से लेकर 9 श्लोक। उसके बाद में आता है कि जब ब्रह्मा जी वहां पर गए, ब्रह्मा जी कहाँ गए, ब्रह्मा जी जब भगवान के धाम में वैकुंठ धाम में गए, तो वहां पर उनका अनुभव कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है भगवान के धाम का, भगवान के धाम का जो है उल्लेख है, उसके बारे में पूरी चर्चा की। ये बताया गया है 10 से लेकर 17वें श्लोक तक, 10 से लेकर 17 श्लोक। तो इसके अंदर क्या बताया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड्स अबोड। तो इन दैट पर्सनल अबोड ऑफ लॉर्ड द मटेरियल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस, वहां पर जो सतो रजो और तमोगुण, एक मिनट, तो सतो रजो और तमोगुण इनका कोई इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं चलता, क्योंकि वहां पर समय नहीं है, समय जैसे एक तरह से ठहर जाता है, तो वहां पर देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। So what to speak of the illusion, तो वहां पर माया का क्या काम बोलते हैं कि it cannot enter that region, उस धाम में जो है माया का प्रभाव नहीं है, माया वहां पर जो उसका प्रवेश भी नहीं है। तो ये और वहां पर बताते हैं कि 10वें श्लोका के अंदर बताया गया कि वहां पर जो देवी देवता हैं और जो असुरगण हैं वो भी भगवान की जो है पूजा करते हैं, भगवान की जो सब भगवान के भक्त। फिर बाद में जो है 11वें श्लोक में बताया गया कि वहाँ के जो वैकुंठ लोगों के जो लोग हैं उनका जो शरीर है पूरा एकदम भव्य है, बहुत ही सुंदर है और हमेशा चमकता रहता है, और उसका रंग कैसा है, तो आसमानी नीला रंग जिसे ब्लू रंग कहते हैं वो रंग है। उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, तो उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं, और उनके जो वस्त्र हैं वो पीले रंग के वस्त्र हैं, और उनके जो मतलब पूरे शरीर का जो ढील ढोल है, उनका जो ढंग है बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है लुभावना है, बहुत ही हमको आकर्षित करने वाला है। दे आर जस्ट लाइक एज ऑफ ग्रोइंग यूथ, और वो सब नव यौवन है उनकी मतलब, और सबके इन सबके 4 हाथ हैं मतलब चतुर्भुज हैं। दे ऑल आर नाइसली डेकोरेटेड उनके शरीर के अंदर, और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे जो गहने पहने हुए हैं, नेकलेसेस पहने हुए हैं, एंड मतलब बहुत ही भव्य दिखते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित दिखते हैं वहाँ के लोग। उसके बाद 12वें श्लोक के अंदर बताया गया है कोई कोई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हीरे और जवाहरात पहने हुए हैं, और उनका जो उन्होंने सर के ऊपर जो मतलब है फूलों की माला पहनी हुई है, और उनका शरीर जो पूरा है कैसे एक कमल का फूल जैसे खिला हुआ रहता है ऐसे उनका है, और उन्होंने कानों के अंदर जो है इयररिंग्स पहने हुए। तो ये दूसरे 12वें श्लोक में बताया गया। बाद में बताते हैं 13वें श्लोक के अंदर, जो वहां पर जितने पूरा जो ये वैकुंठ लोक है वहां पर काफी सारे जो हवाई जहाज है, वहां पर जो है विमान है, तो जैसे
इसके कहते हैं कि एयरप्लेन्स हैं, मतलब पुष्पक विमान हैं, और वो ऐसे हैं जो मतलब वहां पर बताते हैं कि पहले जो जो महात्मा हैं उनके, भगवान के जो भक्त हैं उनके ये एयरप्लेन्स हैं। तो उनकी जो उनका जो और वहां की जो गोपियां हैं, वहां की जो लेडीज हैं, और वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है, वो कैसे चमकती हैं जैसे कोई बिजली हो। तो ऐसे उनको उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है 13वें श्लोक के अंदर। 14वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि वहां पर द गॉडेस इज फॉर्च्यून इन हर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज एंगेज, जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान के चरणों को मतलब उसकी सेवा कर रही है, एंड वहां पर बहुत ही सुंदर वातावरण है, और वो हमेशा जो है माता जो लक्ष्मी है वो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए हर कोई सेवा में लगी हुई है, और अच्छे अच्छे जो भगवान के लिए गीत गा रही है। द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, और भगवान की जितनी भी गतिविधियां हैं उसके अच्छे उन्होंने जो गाने बनाए हैं, कविताएं बनाई हैं, उसका वो रटन करते हैं। फिर जब वहां पर अभी ये बताया है 14 श्लोक तक, फिर 15वें श्लोक के अंदर अब बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा, ब्रह्मा जी ने पूरा इसका विवरण जो इन श्लोकों के अंदर विवरण किया हुआ वैकुंठ लोगों का, तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो उनको ये मतलब, और साथ ही साथ उन्होंने देखे कि इतने सारे भक्तगण हैं, जितने भी उनके सब भक्तगण किसके भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, द लॉर्डेस ऑफ, यहाँ तक कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भी इनकी सेवा में लगी हुई हैं, और तो वहां पर मतलब ये देखकर उनको एक फिर 16वें श्लोक के अंदर आनंद आता है, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सीन लीनिंग। अभी ये तो उन्होंने देखा, मतलब ब्रह्मा जी ने देखा, तो और साथ साथ उन्होंने क्या देखा कि जो भगवान है वो भी उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जो भी उनके जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, वो उनकी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान भी उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। एंड ये देखकर ये जो जो दृश्य उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने, तो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि कोई नशा होता है कि भाई इतना उनको आनंद, मतलब आनंद आ रहा था, और उन्होंने देखा कि भगवान ने अपने सर के ऊपर जो मुकुट डाला हुआ है, भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान जो है डेकोरेटेड हैं, और चार भुजाओं के अंदर हैं, और उनके जो वक्षस्थल के ऊपर जो है मतलब निशान है। तो ये सब चीजें जब देखी उन्होंने, मतलब ब्रह्मा जी ने, तो और फिर देखा कि भगवान भगवान जो है एक आसन पर, मतलब सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एंड दूसरे बहुत सारी जो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की जो एनर्जीज हैं, वो उनके चारों तरफ से मतलब खड़ी हुई है उनकी सेवा में। तो बट सुप्रीम भगवान जो है स्वयं का जो मतलब ये था भगवान का धाम था, उसका वो आनंद ले रहे अपने भक्तों के साथ में। तभी 18वें श्लोक के अंदर जो ब्रह्मा जी का रिएक्शन क्या हुआ, जब पूरे इस जो है वैकुंठ लोगों का जो पूरा दृश्य देखा, उन्होंने देखा कि कैसे भक्तगण भगवान की सेवा में रखते हैं, कैसे जो है लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रखते हैं, कैसे जो है कैसे लोग दिखते हैं वहां पर, जितने भी भक्तगण है वो कैसे दिखते हैं, तो ये सब देखने के बाद में जो रिएक्शन हुआ ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा था यहाँ पर, जब ये भगवान का पूरी भव्यता उन्होंने देखी वहां पर, तो वो आनंदित हो गए, ब्रह्मा जी आनंदित हो गए, और तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के सामने नतमस्तक हो गए वहां पर। ही दस बोर डाउन बिफोर द लॉर्ड, वो भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, और दैट इज द वे द हाइएस्ट परफेक्शन फॉर लिविंग बींग परमहंसा। जब हम भगवान, जब हम भगवान की भव्यता देखते हैं, तो जैसे हमारे ब्रह्मा जी ने हमको सिखाया कि तुरंत जो है भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना, और उसी तरह से हमको भी ऐसे करना चाहिए। फिर भगवान का भी रेसिप्रोकेशन कैसा है, तो रेसिप्रोकेशन 19 से लेकर 24 श्लोकों के अंदर भगवान ने क्या, मतलब भगवान ने कैसे उसका, जैसे ब्रह्मा जी आए तो भगवान के साथ में उन्होंने क्या रिएक्शन किया, भगवान के साथ ब्रह्मा जी के साथ में उन्होंने भगवान ने क्या किया, तो बोला 10 Seeing Brahma present before him, the Lord accepted as a worthy to create living being. तो भगवान ने जब भी ब्रह्मा जी को देखा, तो भगवान ने कहा, मतलब भगवान ने एक्सेप्ट किया, भगवान ने ये जो है एक्सेप्ट किया कि ये सही है जो मतलब सृष्टि की रचना कर सकते हैं, एंड टू बी कंट्रोल्ड एज ही डिजायर्ड, एंड दस बीन सेटिस्फाइड विद हिम, भगवान संतुष्ट हो गए ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने काफी तपस्या की थी, तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी से
जो हाथ मिला है। तो इस बारे में हम सुनते हैं कि दिस इज द फर्स्ट हैंडशेक, मतलब जिसे जो हम बोलते हैं अंग्रेज लोग, तो हम अंग्रेजों से सीखे हाथ मिलाना, मगर हाथ मिलाना जो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हैंडशेक लॉर्ड विद ब्रह्मा जी। तो अपने भक्त के साथ में भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये भी हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया। उसके बाद में जो 20वें श्लोक के अंदर, द ब्यूटीफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड एड्रेस लॉर्ड ब्रह्मा, ओ ब्रह्मा इम्प्रेग्नेट विद द वेदस, आप जो है वेदों के ज्ञाता हो, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, आई एम वेरी मच प्लीज, मैं आपसे काफी संतुष्ट हूँ, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ, विद योर लॉन्ग एक्युमुलेटिव पेनेंसेस, आपने जो इतनी लंबी तपस्या की है उसे मैं, विद द डिजायर फॉर क्रिएशन, और आपकी इच्छा है कि आप इस सृष्टि की रचना करो, तो मैं अभी आपको ये जो, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। फिर 21वें श्लोक में बताना, आई विश यू गुड लक, मैं आपको जो है एक आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ, तो ब्रह्मा यू मे आस्क फ्रॉम मी द गिवर ऑफ ऑल बेनेडिक्शन, आप मुझसे जो चाहिए मांग सकती हो, क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ऑल दैट यू मे डिजायर, जो भी आप इच्छा करते हो वो आप मुझसे मांग सकते हो, यू मे नो दैट द अल्टीमेट बेनेडिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल पेनेंसेस इज टू सी मी, और आप ये भी जानते हो कि जो जितनी भी तपस्या है वो तपस्या का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो भी आप जानते हो कि मुझे जाने, मतलब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जितनी भी तपस्या कोई करता है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि मैं वो भगवान को जाने, तो ये मतलब यहाँ पर बात बताई गई। फिर हाईएस्ट परफेक्शन इन द पर्सनल परसेप्शन ऑफ माय बोट एंड दस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सबमिस एटीट्यूड इन द परफॉर्मेंस ऑफ सीवियर पेनेंस, और आपने ये जो यहाँ पर मतलब इस धाम के अंदर आपकी का दर्शन कैसे हुआ है, बिकॉज क्योंकि आपका एक तो जो आपका जो एटीट्यूड है, आपने जो पूर्ण रूप से सरेंडर हो गए, पूर्ण रूप से आपने जो है सरेंडर कर दिया है अपने आप को, और आपने इतनी बहुत ही घोर तपस्या की है, इसकी वजह से आपको ये संभव है कि आप यहाँ पर आए हो। फिर 23वें श्लोक में कहते हैं, ओ सुंदर ब्रह्मा यू मे नो दैट फ्रॉम मी It was I who ordered the undergo penance when you were perplexed in your duty. भगवान कहते हैं कि भाई तुमको ये जो तपस्या करने का जो मार्ग भी बताया है, तपस्या करने का जो मैंने instructions भी दिया, जो उपदेश भी दिया, वो किसने दिया, वो मैंने दिया आपको, तो ये ब्रह्मा जी को वो बता रहे हैं। And I create this cosmos by, भगवान कहते हैं कि भाई मैं अपनी जो ये तपस्या से ये पूरे जो है सृष्टि की रचना करता हूँ, इसी से मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ और इसी से इसका संहार करता हूँ। तो इस तरह से जो है 24 श्लोकों के अंदर, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट से लेके थर्ड श्लोकों के अंदर भगवान ने बताया, मतलब जो चर्चा हुई है 3 श्लोकों के अंदर, वो हुई है कि किस तरह मतलब शरीर जो है मतलब आत्मा जो है वो शरीर से कैसे भिन्न है, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये शरीर जो आत्मा है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट श्लोक के अंदर कैसा था कि हम ये ब्रह्म में कैसे हैं, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द ब्रह्म मतलब जो इल्यूजन के अंदर हम कैसे हैं, उसके बाद में फिर जो माया है उसका क्या प्रभाव है 2 श्लोक के अंदर, 3 श्लोक के अंदर है कि इस भौतिक जगत से कैसे और इस भौतिक जगत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, या तो इस जो एक स्वप्न है, स्वप्न की तरह है कि हम इस भौतिक जगत के अंदर हैं, तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका प्रोसेस बताया है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया है 4 से लेकर 9 के अंदर ब्रह्मा जी जो है वो उन्होंने भगवान के दर्शन किस प्रकार से हो सके, किस प्रकार से संभव थे। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान के जो धाम का उल्लेख किया गया है 10 से लेकर 17वें श्लोक तक। उसके बाद में बताया गया 18वें श्लोक के अंदर बताया गया कि ब्रह्मा जी का रिएक्शन क्या हो गया जब उन्होंने भगवान को देखा, भगवान के धाम के अंदर उसका क्या रिएक्शन हो गया, और उसके बाद में 19 से लेकर 24 के अंदर भगवान कैसे रिएक्ट करते हैं, भगवान जी का और जो भगवान का और ब्रह्मा जी का बीच में क्या जो है भगवान जी क्या बताते हैं ब्रह्मा जी को, ये 19 से लेकर 24 श्लोक। तो इस तरह से इसका जो ये समरी यहाँ पर समाप्त होता है।